नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कनास फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछला एक वीडियो मैंने डाला था रुद्र गोट फार्म का, और उस वीडियो पे काफ़ी लोगों को काफ़ी अच्छा लगा वो वीडियो, और अच्छा कमेंट भी आए थे उस पे। और इस एक नया वीडियो हम बना रहे हैं। गोयल साहब हमारे साथ है। नमस्कार गोयल। नमस्कार उदित भाई। गोयल साहब, जैसे पिछला एक वीडियो डाला था आपका मैंने, और उसमें भाई बहुत से भाइयों का कमेंट आया था कि आप खर्चा बताओ कि बकरी फार्म खोले तो उसका बेसिक खर्चा है ना। हाँ सर। तो जैसे आज हम ले रहे हैं कि 50 बकरी पालने में कितना खर्चा आता है, तो आप हमको एक्सप्लेन करके बताओ कि अगर कोई भाई अगर 50 बकरियों से स्टार्ट करता है बकरी फार्म, तो उसको एक बार में कितना खर्चा आएगा। सर देखिए, अब सबसे पहले तो फार्म का आता है कि फार्म अपने को कैसे बनाना है। जैसे हमसे भी बहुत सारे ने मतलब पूछा था कि आपने फार्म पे ज्यादा खर्च किया, तो हम भी उस चीज को मानते हैं कि नहीं, वास्तविक हमने फार्म पे ज्यादा खर्च किया। हमने 8 से 9 लाख रुपए करीबन हमारा फार्म पे लगा है। पर मैं दूसरों भाइयों को यूं ही बोलूंगा कि आप इतना खर्च मत कीजिए, आप कम खर्च में भी अच्छा फार्म बना सकते हैं। तो जैसे मैं बहुत से वीडियो डाला हूँ, है ना, एक मैंने दो वीडियो डाले थे कि 50 से 60 हजार में कच्चा बकरी फार्म कैसे बनाए, है ना। तो अगर कोई कच्चा बकरी फार्म बनाना चाहे, कच्चा यानी एक टीन सेट का, हाँ, यानी टेम्परेली, है ना, तो उसका खर्चा तो 50 से 60 हजार आएगा। हाँ ठीक है, बन जाएगा। और अगर कोई उसको व्यवस्थित बनाता है ना, तो उसका खर्चा कितना आएगा। उसका उदित जी 1 से 2 लाख रुपए के करीबन बैठता है 50 बकरियों का खर्चा। तो 1 से 2 लाख के बीच में उसका फार्म किस तरह का बनेगा। उसका आप उसमें टीन शेड भी डाल सकते हो, जैसे अपना एक पोल्ट्री टाइप का होता है, तो 180-170 रुपए के स्क्वायर फीट के करीबन आपका बहुत बढ़िया से बन जाएगा। उसमें ओपनिंग पोर्शन में भी आप जाली भी लग जाएगी और ट्रे भी बन जाएगी, सब कंप्लीट हो जाएगा उसमें। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बकरी खरीदने में कितना खर्चा आता है। तो गोयल जी, हमको बताइए कि अगर प्रेग्नेंट बकरी खरीदते हैं और अदंत बकरियां खरीदते हैं तो कितना खर्चा आएगा। देखिए उदित जी, मतलब जो छोटे बच्चे 15 से 20 किलो की अगर आपको फीमेल लेना है, तो आपको मतलब 5 से 6 हजार रुपये में 15 से 20 केजी में आपको मिल जाएगी, तो उसमें से भी आप चालू कर सकते हो। और दूसरा, अगर आपको मतलब हमारे हिसाब से अगर प्रेग्नेंट बकरी आप अगर लेते हो, तो 10 से 12 हजार रुपये की आपको पड़ेगी। तो जैसे अगर आप 50 की 50 बकरियाँ प्रेग्नेंट लेते हैं, है ना, तो उसमें एक साथ अगर वो प्रेग्नेंट होती है, बच्चा देती है, है ना, तो वो तो दिक्कत आ जाएगी, 50 बच्चों को मैनेज करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो उसके लिए क्या कर, तो उसके लिए सर अब जैसे बहुत सारे जो ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, उस चीज को अगर मैनेज कर सकते हैं, तो आप 50 के बजाय 25 पे चले जाइए, 20 पे चले जाइए। वो सामने वाले के ऊपर है कि वो कितनी बकरियों से स्टार्टिंग करना चाहता है। यानी आपका कहना है कि अगर 50 बकरियों में दिक्कत आती है, एक साथ अगर प्रेग्नेंट लेते हो तो 50 बकरियां एक साथ अगर गाभित हो जाती है ना, वो बच्चा दे देती है, तो उसमें मैनेज नहीं कर पाते, तो आप 25 अदंत ले सकते हो और 25 प्रेग्नेंट ले सकते हो, 25 ले सकते हो, 20 भी ले सकते हो। सामने वाले के ऊपर है कि वो कितना उसको रख सकता है अवेयर के, मतलब आप 6 महीने के लिए एक्सपेरिमेंट के तौर पे उसको रख लो, क्या ठीक है, अपने को 6 महीने तक अपन 25 बकरियां रखेंगे, उसके बाद उसको बढ़ा के 50 कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आप जैसे सुन ले आपने कि अगर आप अदंत लेते हो, तो उसका खर्चा आपको 5 से 6 हजार रुपए पर बकरी का आएगा, और अगर आप प्रेग्नेंट बकरी खरीदते हो, तो उस एक बकरी का आपको कीमत लगभग 10 से 12 हजार के बीच पड़ेगा। बोल जी, आप बताइए कि एक बकरी पे कितना खर्चा आएगा खाने को लेके। तो इसमें भी आप दो तरीका बताइए कि जिसके पास सर्व सुविधा, यानी कि उनके पास जिसके पास खेती है और उसको कितना खर्चा आएगा, और जिनके पास खेती नहीं है, यानी जो शहरी क्षेत्र में अगर बकरी पालन करना चाहता है, तो उनको कितना खर्चा आएगा। देखिए, अगर जिसके पास सर्व सुविधा युक्त मतलब काम है कि जिनके घर की खेती है, चारा है, तो उनको बहुत कम खर्चे में वो बकरी पालन कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास सर्व सुविधा है। हाँ, तो मेरे यहाँ पे सिर्फ दाने का ही पैसा लगता है, बाकी जो भी चने का भूसा है, मसूर का, वो हमारे घर का ही मतलब हो जाता है, तो उनका पैसा हमको बच जाता है। तो इसमें भी जैसे अदंत बकरी का खर्चा कितना आएगा एक बकरी का। जो छोटे बच्चे 15 से 20 किलो तक के हैं, अगर जिसके पास मान लो कि भूसे की व्यवस्था नहीं, अगर वो खरीद के ला रहा है, तो एक आप उस पर 10 रुपये मान के चलो कि 10 से 12 15 रुपये के करीबन उस पर खर्चे बैठता है। और कोई शहरी क्षेत्र में अगर उसको बकरी पालन करना चाहता है, हाँ, तो उसको एक बकरी पे कितना खर्च। शहरी क्षेत्र में अगर वो अच्छा बढ़िया से बढ़िया भी अगर पालन करना चाहता है, तो आप एक मान के चलो 15 से 25 रुपये में बढ़िया से बढ़िया आप उसको खाना दे सकते हो। तो अब जैसे ये बकरी आपने जो बताया है, ये 15 से 20 केजी के बकरियों के हिसाब से, हाँ, अगर ये अगर 40 से 50
केजी के जो बकरियां हैं, हालांकि इतने केजी की बकरी तो रहती नहीं है, अधिकतर नॉर्मल जो आपने अपने को रखना 30 से 40 किलो की रखना है, क्योंकि अपने को बड़े जानवर उसमें नहीं रखना है। कि तो जो 30 से 40 केजी की जो बकरियां रहती है उसको पर बकरी का पर डे का कितना खर्चा रहेगा? पर डे का आप बता रहा हूं मैं आपको कि 20 से 25 रुपए आप मान के चलो, मतलब कम से कम 15 है और ज्यादा से ज्यादा 25 के, इसके दोनों के बीच में एवरेज आप 20 रुपए मान के चलो। किसका बता रहे हो आप? ये बड़ी बकरियों का बता रहा हूं। शहरी वालों का या फिर ग्रामीण? शहरी वालों मतलब जो खरीद के नीला मतलब जो खरीद के ला रहे हैं, जो बाजार से खरीद रहे भूसा खरीद रहे हैं उनके लिए है ये। अगर मान लो आपके यहाँ पे भूसा की उपलब्धता है या हरे चारे की उपलब्धता, तो ये कास्ट और नीचे आके 10 रुपए पे आके रुक जाएगी बड़ी बकरियों में। बड़ी बकरी और अगर आपके पास मान लो भूसे की व्यवस्था नहीं, आप अगर खरीद के ला रहे हो, तो ये कॉस्ट आपका 20 रुपए का समथिंग एवरेज आ जाएगा आपको। इसमें आप दाना भी आ जाएगा, उसका भूसा भी आ जाएगा, और अगर आपके पास हरे चारे की उसमें अगर उपलब्धता है, छोटी मोटी अगर जगह है उसमें आप कर लेते हो, तो उसमें से 2-3 रुपए और इसमें से कम हो जाएंगे। अच्छा, तो दोस्तों जैसे आप लोगों ने जान लिया है कि गोयल जी का कहना है, ये जनरल सबका क्वेश्चन रहता है और सभी भाई यही पूछते हैं कि कितना खर्चा आता है पर बकरी के हिसाब से, तो हो सके तो आपको अच्छा समझ पड़ गया होगा। जैसे इनका कहना है कि अगर आपके पास सर्व सुविधा है ना, तो अगर अदंत बकरी का खर्चा 10 से 15 रुपए है, और अगर प्रेग्नेंट बकरी है उसका खर्चा लगभग 20 से 25 रुपए पर बकरी के हिसाब से आ जाएगा। तो आप इस हिसाब से अपना खर्चा जो भी मेंटेनेंस अगर आप करना चाहते हो, तो ये मेंटेनेंस आपका इतना पड़ेगा। बोल जी, दाने में आप जैसे अदंत बकरी को दाना कितना देना चाहिए? अदंत बकरी जो 15 से 20 किलो तक के बच्चे जैसे 3 से 4 महीने तक के रहते हैं, तो उनको एक एवरेज मतलब 300 ग्राम दाना तो देना ही चाहिए उनको। 300 ग्राम दाना जरूरी है उनको देना, 200 से 300 ग्राम अच्छा आप उसको दाना दीजिए, तो उसमें बच्चा भी आपका बहुत अच्छा बनेगा। जैसी उसकी उम्र बढ़ती जाएगी उस हिसाब से आप दाना भी बढ़ाते रहिए। और प्रेग्नेंट बकरी का तो वैसे भी आपको मेंटेनेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, प्रेग्नेंट बकरी में कम से कम आपको 500 से 600 ग्राम दाना पर डे उसको देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि दवाइयों का खर्चा कितना पड़ेगा? दवाइयों का खर्चा आप ये मान के चलिए कि 50 बकरियों पर अगर बड़ी बकरी आप अगर रखते हैं, तो 15,000 रुपए के समथिंग आपको पूरे साल का मतलब दवाइयों का लग जाता है। मतलब हमारे यहाँ पे जो लगता है, अगर आपका वैक्सीनेशन कंप्लीट है तो बकरी आप ना के बराबर आपके यहाँ पे बीमार हुई है, तो उसमें वो आप खर्च बच जाएगा वो आपका। अच्छा, तो ये कौन सी प्रेग्नेंट बकरियों के बता रहे हो आप? हाँ, कि ये अदंत बकरियों का क्या खर्चा है? अदंत बकरियों में इसका खर्चा दवाइयों का और कम हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा खर्चा है? इसमें जैसे बहुत सारे एक वैक्सीन का खर्चा आता है अधिकतर, जैसे कैल्शियम हो गया आपका। अब उसमें बहुत सारे मतलब तरह तरह की चीजें देते हैं, कोई ब्रूटोन देता है, कोई क्या देता है। अगर व्यवस्थित तरीके से आप चलाते हो तो ना तो ब्रूटोन की जरूरत पड़ेगी और ना कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी। आप अगर संतुलित दाना देते हो, मिनरल मिक्सचर देते हो, तो इन चीजों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आप। तो इसमें सारे वैक्सीन भी आ गए? हाँ, इसमें सारे वैक्सीन भी आ जाएंगे। सब ये पूरा खर्चा जैसे कि आपने बता दिया है, हमने बात कर ली है कि फार्म का, और फिर बाद में बकरियों को खरीदने में कितना खर्चा आता है, उसके बाद हमने वैक्सीन पे भी कितना खर्चा आता है ये भी आपने बता दिया। अब ये पूरा खर्चा एक फार्म सेट होने में इतना खर्चा आ रहा है, तो अब कमाई का भी थोड़ा बता दो कि हमारे व्यूअर्स कमाई भी उससे कमाई कितनी होगी, ये भी थोड़ी जानकारी दे दो। हाँ उदित जी, मतलब अधिकतर सवाल यही रहता है व्यूअर्स का, मेरे को बहुत सारे का फोन आया कि भैया आप एक बकरी की पर कमाई हमको एक साल की तो बताइए। तो मैंने उनको बताया भी सर, निजी तौर पर बताया, और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप जैसे हमारा खुद का जो रहता है, तो हम एक बकरी से कम 30 से 35 हज़ार रुपए की साल में हमारा उनके बच्चे बिक जाते हैं। तो कैसे थोड़ा बताओ, एक्सप्लेन कर दो। अब सर क्योंकि लोग एक्सप्लेन ज्यादा पूछना चाहते हैं। एक्सप्लेन सर ये है कि जैसे कि मान लो एक छोटा सा उदाहरण यही मैं आपको देना चाहूंगा कि जैसे आप मान लो बकरियां, जैसे आपने यहीं से आप मान लो 2 महीने पहले अगर एक बकरी खरीदी है आपने, और आपके यहाँ पे उसने 2 बच्चे मान लो, 2 अधिकतर 2 ही बच्चे वाली आती है सिरोही, तो अगर मान लो 2 बकरी उसने आज बच्चे दे दिए ना, अगर आपने सही तरीके से सही मेंटेनेंस से अगर उसको रख लिया जैसे हम रखते हैं, अगर आपने उसकी देख रेख की, अच्छा खिलाया पिलाया, तो वही एक बकरी एक साल में जाके आपको 30 से 35 किलो की बनेगी। और अगर एक बकरी और एक बकरा दिया है उसने, तो बकरा भी आपका 35 से 45 किलो के समथिंग बन जाएगा। और अगर ब्रीडिंग पर्पस में आप बकरा बेचना चाहते हो, तो उसको आपको कम से कम 350 से 400 रुपए का रेट मिलेगा उसमें। और बकरी तो आपको पता ही है कि अपने MP में और इंदौर क्षेत्र में क्या भाव चल रहा है, 350 से 400 के बीच में भाव चलता है। अच्छा, ये फार्म वाला रेट है। तो ये मैंने आपको सिर्फ 2 बच्चों के बताए हैं। अगर 6 महीने के बाद में अगर वो 2 बच्चे और देती है, तो उसका आप उसमें कैलकुलेशन करके उसका प्लस में कर सकते हो आप।
तो एक बकरी से आप 30,000 से 35,000 रुपए सही तरीके से आराम से कमा सकते हो। तो ये तो आपके मेंटेनेंस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह का मेंटेनेंस करोगे। अगर आप आपका मेंटेनेंस बहुत अच्छा रहा तो आप इतना पैसा कमा सकते हो, और अगर इससे भी और अच्छा रहा तो आप इससे भी ज्यादा भी कमा सकते हो। और अगर आपका मेंटेनेंस, अगर आपने सोच लिया कि 50 बकरियां ले आए और चलो उससे मतलब एक साल बाद आप गिनने लग गए कि गोयल साहब ने बोला कि 35,000 रुपया और आप भी उसको कैलकुलेट करके 35,000 जोड़ लो, तो ऐसा नहीं। आपको उसमें बहुत सारी चीजें का ध्यान रखना है और आपका जो मेंटेनेंस है वो प्रॉपरली बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आप इससे भी ज्यादा, और नहीं तो फिर अगर कुछ भी आप मेंटेनेंस नहीं करते हो तो आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। अगर ये बोल रहे हैं 30,000 तो क्या आपको 10,000 भी नहीं मिलेगा? तो ये भी आप पे डिपेंड करता है कि बकरी अगली बार किसे हीट पे आ रही है, इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों गोयल साहब जी, मैंने आपको एक चीज अभी इसके पहले बताई थी कि संतुलित दाना उनको देना जरूरी है। अगर आपका संतुलित दाना है, सही भोजन है, तो बकरियां बिल्कुल समय पे हीट पे आएंगी और समय पे ही गाभिन होकर समय पे ही बच्चे देंगी। अगर आपका मेंटेनेंस नहीं है, उसमें संतुलित दाना आप नहीं दे पा रहे हो, तो उसमें आपका लॉस भी हो सकता है। ये दोनों चीजें आपको रख के ही इसका बिजनेस करना है। अच्छा है, नहीं तो बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं कि दाना नहीं दे पाते हैं। जैसे एक मिनरल मिक्सचर एक बहुत जरूरी है बकरियों का। अगर आपको बिजनेस करना है, इसको पर पालना है, तो मिनरल मिक्सचर आप इनको डेली दीजिए, तो उससे क्या वो समय पे हिट पे आएंगी और समय पे ही बच्चे देंगी। तो इसी वजह से आपका जो भी अगर आपका घाटे का मुनाफा भी चल रहा है, तो वो मतलब मुनाफे में तब्दील हो जाएगा। तो जैसे एक बकरी ने प्रेग्नेंट हुई बकरी, उसके बाद उसको हीट पे कितने महीने बाद वापस करवाना चाहिए? देखो सर, हमारे यहाँ पे तो अधिकतर बकरियाँ 1.5 महीने के करीबन मतलब बच्चे देने के बाद में गाभिन के करीबन आ जाती, मतलब हो जाती है हमारे। पर अब अधिकतर मतलब 2 महीने के बाद में उनको प्रेग्नेंट, 2 से 3 महीने जहाँ तक है ना? हाँ, नहीं, हम तो 2 महीने में करवा देते हैं उनको प्रेग्नेंट। अच्छा, तो जैसे जहाँ तक ज्यादातर लोग बोलते हैं कि 3 महीने तक का होना चाहिए। हाँ ठीक है उदित जी, वो सबका अपना अपना रीजन रहता, पर मेरे यहाँ पे तो हम अधिकतर मतलब 2 महीने के बच्चे को, मतलब जो 2 महीने के बच्चे हो जाते हैं उसके बाद में बकरी को प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद 1 से 1.5 महीने उसको वापिस उसकी माँ का दूध पी लेता है, उसके बाद में वो ऑटोमेटिक छोड़ देता है फिर, और उसके बाद फिर दाने पे भी लग जाता है बच्चा। 1 से 1.5 महीने में दाने पे लग जाता है, तो आधा उससे उसका उससे काम हो जाता है। ये सब सारी बातें हो गई, ठीक है, कमाई का जरिया भी आपने बता दिया। अब हमारे व्यूअर्स को ये चीज बता दो कि आपने 3 साल आपके हो गए फार्म के। हाँ सर, हो गए। तो आपने यहाँ से बकरे किस पर्पस में ज्यादा बेचे, मांस के लिए या दूध के लिए या फिर ईद के लिए या फिर ब्रीडिंग के हिसाब से? सर जो शुरू में दिक्कत आई थी, मांस पर्पस बेचे थे, पर उसमें सर नुकसान होता है, इतना पैसा अपने को मिल नहीं पाता है कि जितना अपने को चाहिए। अच्छा, वो वैल्यू फॉर मनी नहीं मिलती? हाँ, वैल्यू फॉर मनी जितना अपना खर्च होता है, मांस पर्पस में आप उतना कमा नहीं सकते हो इस धंधे से। अच्छा, तो आप किस तरह बेच रहे हैं? मैंने उसके बाद में ब्रीडिंग पे काम किया, मतलब ब्रीडिंग पे बकरे मतलब 350 की रेंज में ही बिके हमारे। जब भी बेचे हमने मतलब 25 किलो के भी बेचे, 50 किलो के भी बेचे, 70 किलो के बेचे, उसमें हमको अच्छा पैसा मिला। मतलब ज्यादातर ईद पर्पस में ज्यादा बच्चे बिके, और कहीं पे भी मेरे को मार्केट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, यहीं से सब घर पे से ही बिक जाते हैं यहाँ से फार्म से। अच्छा, सारा हाँ सारा बकरी भी बिक जाती है, और मतलब अधिकतर हमारे यहाँ पे प्रेग्नेंट बकरियों की और पार्ट की अधिकतर डिमांड रहती है यहाँ पे। अच्छा, तो क्या एवरेज में आप बेचते हो बच्चे यहाँ से? बच्चे जो अभी हमने बेचे 15 से 25 किलो तक के, वो 350 रुपये पर केजी में बेचे हमने। और प्रेग्नेंट बकरी का? प्रेग्नेंट बकरी हम 375 रुपये में दे रहे हैं। अच्छा, तो उसका रेट ज्यादा है? हाँ, उसका रेट ज्यादा है। अच्छा, तो दोस्तों ये है गोयल साहब, इनका फार्म का तो आपने वीडियो देख लिया और इनका इंटरव्यू देख लिया। अब हम एक जनरल, बहुत सारे भाइयों का क्वेश्चन यही रहते थे कि 50 बकरियों पे कितना खर्चा आता है, तो हमने एक नया एक्सपेरिमेंट करा कि आप लोगों को एक डिबेट टाइप का वीडियो बनाया जाए, जिसमें पूरी जितनी भी जानकारी है वो आप लोगों तक पहुंचाई जाए। तो मैं गोयल साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी बातें हमारे व्यूवर्स को दी। तो गोयल जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर उसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहले भी यहाँ पे आपका कीमती समय निकाल कर एक वीडियो पहले भी बनाया और एक वीडियो आज भी बनाया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं चाहूंगा कि आप हर बार यहाँ पे आते रहे और अपने व्यूअर्स को अच्छी से अच्छी जानकारी देते रहिए, और हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि हम भी अच्छी से अच्छी जानकारी आपको प्रदान करें, और आप भी जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसा आप भी ये बिजनेस करके शर्म लाज छोड़ के
इसको अच्छे तरीके से कीजिए, कम से कम अपने ज्यादा से ज्यादा समय अपने फार्म पे दीजिए। जैसे कि एक मैं मतलब आप कितना समय देते हो? मैं कम से कम अपने फार्म पे 12 घंटे का समय देता हूँ। 12 घंटे आप कहीं भी, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं। जिस किसी बंदे को लगे कि अगर वे भैया झूठ बोलते तो आप कभी भी यहाँ पे आके देख लीजिए, मेरे को आपको यहीं पे मिलूंगा मैं। तो अगर आ गए हम आपके फार्म पे और आपने कहे तो नहीं, बिल्कुल ये 100 में 1 दिन ऐसा जाता है कि जब दवाइयां लेने के लिए जरूरत पड़ती है, जब जाना पड़ता है तो भैया रहता है। बाकी जैसा आज आप भी आए, आपने मेरे को फोन लगा, आप ही बता दीजिए कि कहाँ पे मिला हूँ आपको। अच्छा। मैं तो दोस्तों इनका कहना है कि अगर आप खुद आपके फार्म का मेंटेनेंस करें तो ये जो इनकम ये बता रहे थे गोयल जी बता रहे थे, इससे भी ज्यादा आप इनकम कमा सकते हो। और हमारा चैनल इसी बात को ज्यादा फोकस करता है कि एक्चुअल में है क्या है बकरी फार्म। आजकल क्या हर आदमी बकरी फार्म करना चाहता है और उनको हम रियल इस बिजनेस के बारे में रियल बातें बता सके और उसमें कोई झूठ नहीं है, जो भी चीज है आपके सामने बताई जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह आप चैनल को प्यार देते रहिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।